बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते रहते हैं, उन्हें धोखा देते रहते हैं और माँ बाप अपने बच्चों की बातों पर विश्वास करते रहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में उनका बच्चा उतना ही मासूम है जितना कि वो उस वक्त था जबकि उसने होश भी नहीं संभाला। आपके साथ भी यही हुआ। माफ कीजिए मिस्टर सक्सेना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा दीपक कितना समझदार और जिम्मेदार लड़का है, इसलिए यकीन से कह सकती हूँ ये इल्जाम गलत है। इल्जाम गलत नहीं है, गलत है आपका विश्वास। आपकी बातों से तो यूँ जाहिर हो रहा है कि आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से बेखबर। कौन सी सच्चाई? दीपक को यूनिवर्सिटी एग्जाम से डिबार कर दिया। क्या? क्या कह रहे आप? हाँ, उस पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो 3 साल तक किसी एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा। क्या? मैंने तो डिबार कर दिया था, लेकिन क्यों? फाइनल एग्जाम के पर्चे खरीदने के लिए। इतना बड़ा वाक्य हो गया और हमें खबर तक न हुई। आपको खबर ना हो इसलिए दीपक ने झूठी डिग्री ली और उसके बल पर गलत बयानी करके सरकारी नौकरी हासिल की। मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका ये सब जानना जरूरी है। अच्छा किया जो आपने बता दिया, वरना जब उसे पकड़ ले जाते और उसे सजा होती तो इस अचानक सदमे को तो मैं शायद बर्दाश्त ही न कर पाती। मिसेज अग्रवाल, मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं सिर्फ तसल्ली दिलाने के लिए नहीं कहता बल्कि आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर दीपक लौट आया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो हम उसके साथ पूरी रियायत बरतेंगे। वो कैसे? इस काले धंधे में शामिल लोगों को पकड़वाने में अगर दीपक हमारी मदद करेगा तो जाहिर है कानून भी उसकी मदद करेगा। आप उस पर रियायत करें, ये आपकी मेहरबानी होगी, और अगर वो पकड़ा गया तो मैं ये समझूंगी जिस फर्ज को मैं पूरा ना कर सकी उसे आपने पूरा कर दिया। उसने जो कुछ भी किया मैं आपसे माफी मांगती हूँ।